हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने हमारा 24th इलस्ट्रेशन किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। भव्य एंड दीप आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31st March 2017 वॉज एज अंडर। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई हो और यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। उस एडजस्टमेंट्स के ऊपर से हमें यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट्स जो है वो हम देख लेते हैं। वेदांत विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ₹50,000 इन द फर्म। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कौन ले कह रहा है, वेदांत, तो वेदांत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्नीचर हमारे लिए असेट्स, इसलिए हमने बैलेंस शीट में असेट्स साइड एंट्री की। और उसके सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम कहाँ पे करने वाले थे, ऑब्वियसली कैपिटल के फॉर्मेट में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 50,000। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि दो अकाउंट्स यहाँ पे हम बनाएंगे, एक फिक्स कैपिटल का और दूसरा करंट अकाउंट का। तो फिक्स कैपिटल में हमने लिखा वेदांत की कॉलम में बाय फर्नीचर अकाउंट, इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारी सेकंड एडजस्टमेंट दी गई है, क्रेडिटर्स इंक्लूड 40,000 पेबल टू वेदांत विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे वेदांत जो है वो क्रेडिटर्स में से 40,000 क्रेडिटर्स जो हैं वो वेदांत पेमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जो हमारे क्रेडिटर्स में से हम इतनी अमाउंट माइनस कर देंगे और सेकंड जो है जितनी अमाउंट यहाँ पे वेदांत पेमेंट कर रहा है वो हम उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे क्रेडिटर्स दिए गए 80,000 रुपीज़, उसमें से वेदांत कितने ले पेमेंट कर रहा है 40,000। दैट मीन्स कब हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे हमारे पास कितने बचे 40,000। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की साइड। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमने ये की और उसी के साथ हमारी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट ₹40,000, क्योंकि इतनी कैपिटल जो है वो लेके आ रहा है वेदांत क्योंकि क्रेडिटर्स पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, वेदांत विल शेयर 1/5 इन द फ्यूचर शेयरिंग। यहाँ पे आपको वेदांत का शेयर दे दिया, कितना दिया है प्रॉफिट में 1/5 पार्ट। वेदांत विल गिव 30,000 इन कैश एज गुडविल। अब हम यहाँ पे इस गुडविल की एंट्री कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट तो यहाँ पे हमारे पास जितना बैंक बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस हमें दी गई है 40,000 रुपीज़, उसमें प्लस 30,000 हो जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास इतनी आ रही है, तो हमारे यहाँ पे बैंक बैलेंस कितनी हो जाएगी 70,000। और सेकेंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे कि जो अमाउंट जो है पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, तो इस प्रीमियम के अमाउंट को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो दैट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 30,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पे 5:3 उनका ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई दैट मीन्स उनका ओल्ड रेशियो उनका सेक्रीफाइस रेशियो का। तो अगर यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में थोड़ा स्पेस छोड़ के बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, भव्य के अकाउंट में आएगी 18,750 एंड दीप के अकाउंट में आएंगे 11,250 रुपीज़। तो अब हम उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹2,00,000। अब यहाँ पे हमें वैल्यू जो है वो गुडविल की कितनी दी दी है 2,00,000 रुपीज़, बट अब हम उसके ऊपर से यहाँ पे वेदांग का शेयर जो है वो फाइंड करेंगे। वेदांग शेयर कितना है 1/5 प्रॉफिट में, तो 2,00,000 × 1/5 दैट मीन्स कि वेदांग का शेयर कितना होना चाहिए, तो 40,000। अब उसमें से वेदांग कितना लेके आ रहा है, खाली 30,000 रुपीज़, तो 10,000 क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि अगर कुछ पार्टली अमाउंट लेके आते हैं पार्टनर तो बाकी के अमाउंट जो उसके कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगी। तो कितना है यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जो उसके कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगी। तो अब ये 10,000 भी क्या करेंगे, हम दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है वो हम एंट्री करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम इसे सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन यहाँ पे कितनी आएगी अमाउंट, भव्य के अकाउंट में आएगी 6,250 रुपीज़ एंड दीप के अकाउंट में आएगी 3,750 रुपीज़। अब इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट साथ में करेंगे, तो ये एंट्री क्या होगी, यहाँ पे वेदांग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू दीप्सक सॉरी भविष्य कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,250 एंड दीप्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,750। तो अब हम इसकी एंट्री देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री की, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेदांग्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,250 सॉरी भविष्य कैपिटल में आ गया 6,250, दीप की कैपिटल में आ गया 3,750 क्रेडिट होगा। ऑन द सेम साइड डेबिट साइड क्या होगा, वेदांग के कैपिटल में से भव्य का शेयर कितना वो दे रहा है 6,250, दीप कितना दे रहा है 3,750। इस तरह से यहाँ पे हमने इंक्रीज की है। उसके बाद हमें यहाँ पे दी गई है क्रेडिट परचेस रुपीज 10,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिटर्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट बट इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रेडिट परचेस कर रहे तो ऑब्वियसली परचेस हुआ, दैट मीन्स कि हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो लास्ट हमने देखा कि हमारे क्रेडिटर्स कितने बचे थे 40,000। अब 40,000 में प्लस 10% जो सॉरी 10,000 हमारे जो अनरिकॉर्डेड उसकी एंट्री हम करेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 50,000। अब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती तो हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड कर देते हैं। ये हुई हमारी एंट्री। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दी गई है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रुपीज़ 30,000 इज रुपीज़ 24,000। मतलब कि यहाँ पे हमें स्टॉक की वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे 30,000 का जो स्टॉक है उसके मार्केट वैल्यू हमें दी गई है 24,000 और बाकी का जो 10,000 है उसकी एज इट इज़। तो आपको पता है कि बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में से जो कम होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम है कितनी है 24,000 प्लस 10,000 दैट मीन्स 34,000 हो गया हमारे स्टॉक के वैल्यू। यहाँ पे एक्चुअल में पहले कितनी थी 40,000, अब यहाँ पे कितनी हो गई 34,000। यहाँ पे कितनी हमारी वैल्यू कम हो गई 6,000। अब हमारे असेट्स की वैल्यू कम होते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करते हैं उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड करते। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट स्टॉक हमने लिखा हमारा 34,000 और यहाँ पे सेकंड जो हमारी असेट्स की जो वैल्यू कम हो गई है उसकी एंट्री हमने की रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है लायबिलिटी ऑफ द वर्कर वर्कमैन्स कंपनसेशन इज रुपीज 24,000। तो अब यहाँ पे वर्कर्स फंड जो है बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है 40,000 बट यहाँ पे क्लेम हमने कितना किया 24,000, मतलब कि 16,000 जो हमारे पास रिमेनिंग बचा तो उसे हम क्या करेंगे क्लोज करके ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आएगा अगर हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, तो यहाँ पे भव्य को यहाँ पे मिलेंगे 10,000 रुपीज़ और जो हमारे लिए दीप है उसे मिलेंगे 6,000 रुपीज़। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमने उसकी एंट्री की तो क्या है वर्कर्स कंपनसेशन फंड इज इक्वल टू 10,000 जो है भव्य को मिले एंड 6,000 जो है वो दीप को मिले, यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 16,000 इज अनरिकॉर्डेड। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है दैट मीन्स कि उसकी एंट्री कहाँ पे होगी बैलेंस शीट में हमारे लिए असेट्स के साइड, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिल जाए तो वो हमारे लिए हमारी इनकम हुई। तो यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट में असेट्स के साइड रुपीज 16,000 और आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो हमारे लिए असेट्स है, हमारी असेट्स बढ़ती है दैट मीन्स कि कहाँ पे लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं। अब हम ये जो हमारे पास अमाउंट दी गई है उसे हम अब बैलेंस शीट जो दी गई उसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जो उसकी एंट्री हमने कर दी। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 24,000 हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं तो 24,000 की एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे स्टार्टिंग में बाय बैलेंस पीडी 1 लाख एंड रुपीज 1,30,000। उसके बाद करंट अकाउंट की बैलेंस दी गई तो यहाँ पे करंट अकाउंट की बैलेंस भी हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी है 80,000 एंड 60,000। उसके बाद यहाँ पे हमें दी गई है बैंक अकाउंट तो उसकी एंट्री हमने कर दी। डेप्टर्स जो हैं डेप्टर्स की एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स के साइड। स्टॉक की एंट्री हमने कर दी, बिल्डिंग हमारे लिए हमारी असेट्स है उसलिए बैलेंस शीट में असेट्स के साइड। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हमने कर दी है और फर्नीचर की भी एंट्री हमने कर दी थी। अब हम यहाँ पे हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 16,000 क्रेडिट साइड का टोटल और सेम डेबिट साइड का टोटल है दैट मीन्स कि यहाँ पे ये इक्वल हो गया। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो एज इट इज़ यहाँ पे हमने उसे क्लोज कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो करंट अकाउंट, अब करंट अकाउंट का हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,15,000 उसमें से डेबिट साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस कितनी है करंट अकाउंट के 1,15,000। सेम इट इज़ दीप के करंट अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना 81,000, डेबिट साइड कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 81,000। अब यहाँ पे
वेदांक, तो वेदांक की क्रेडिट साइड कुछ नहीं खाली डेबिट साइड है, दैट मीन्स कि वेदांक की डेबिट बैलेंस है कि करंट अकाउंट की कितनी आएगी 10,000। तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स की एंट्री की तो 1,15,000 एंड 81,000, और डेबिट बैलेंस की एंट्री हमने यहाँ पे की बैलेंस शीट में असेट्स की साइड करंट अकाउंट ऑफ वेदांक। अब यहाँ पे हमने बैलेंस शीट का टोटल किया तो कितना है 6,10,000 एंड 6,10,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने हमारी जो एंट्रीज है वो हमने की। उसके बाद का हमें नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया गया, शिया एंड चांद की आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। दे एडमिटेड चांदनी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। चांदनी ब्रॉट रुपीज 25,000 एज अर कैपिटल इन कैश। द कैपिटल ऑफ शिया एंड जानकी आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ लॉस ऑफ डीवैल्यूएशन अकाउंट गुडविल डिजर्व 60,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू कीप देयर कैपिटल ऑल ऑफ द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस। फॉर दिस पर्पज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट और बाय पेड और बाय इन द कैपिटल बाय द ओल्ड पार्टनर्स द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1 प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है उसका शेयर कितना है 1/6, और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है वो 25,000। तो इस तरह से यहाँ पे खाली 25,000 उसका शेयर का कैपिटल दिया हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स जो है उनकी कैपिटल कितनी दी गई है 60,000 एंड 70,000। तो वो हमारे लिए क्या हुई, हमारी ओपनिंग बैलेंस 60,000 एंड 70,000 यहाँ पे हमने लिखा। उसके साथ साथ उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 25,000 जो है वो न्यू पार्टनर एज अ कैपिटल लेके आए, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट चांदनी 25,000। दे डिसाइडेड टू कीप ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। अब यहाँ पे यह क्या हो रहा है कि ये जो पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लोजिंग कैपिटल किस तरह से रखेंगे, कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो उसके अकॉर्डिंग, और उसके लिए हम यहाँ पे न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसे हम बेस के रूप में बेस के तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और उसे न्यू कैपिटल के फॉर्मेट में अगर कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई पार्टनर को लेके आना पड़े कुछ भी तो वो लेके भी आएंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्लोजिंग कैपिटल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना। तो यहाँ पे न्यू शेयर हमें दिया हुआ है 3:2:1। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अगर चांदनी का पार्ट जो है 1/6 है तो उसका शेयर कितना है कैपिटल में 25,000। अब हमारे यहाँ पे टोटल क्लोजिंग कैपिटल 1 है, जैसा कि आपको पता है कि रेशियो का टोटल कितना होता है 1, तो देन कैपिटल इज हाउ मच, तो 25,000 × 1/6 / 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स 25,000 × 6। तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग कैपिटल टोटल कितनी आई, यहाँ पे 1,50,000। अब इसे यहाँ पे हम क्या करें, ओल्ड न्यू रेशियो जो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रेशियो कितना दिया है चांद की शिया का 3, तो यहाँ पे 1,50,000 × 3/6, क्योंकि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल होता है, दैट मीन्स सिया के शेयर में कितना है 75,000। सेम इट इज़ जानकी का, तो जानकी की तो हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल दी गई है 1,50,000 × 2/6, तो यहाँ पे हमारी जानकी की कैपिटल भी कितनी है 50,000। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल में यहाँ पे हमने लिखा थोड़ा स्पेस छोड़ के 75,000, 50,000 एंड 25,000। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड हमें यहाँ पे दी गई है, सॉरी यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस कितनी है 75,000, बट शिया जो है वो कितनी लेके आई है 60,000, दैट मीन्स कि उसे ऑडिशनली कितनी यहाँ पे देनी पड़ेगी 15,000 जो है वो शिया एडिशनली कैपिटल लेके आएगी, और जानकी जो है जानकी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 70,000, पर यहाँ पे हमने क्लोजिंग की तो कितनी है 50,000, मतलब कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, मतलब कि हम क्या करेंगे जानकी को यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, और शिया का क्रेडिट आ रहा था, डेट मीन्स कि यहाँ पे हम उसे देंगे, मीन्स शिया यहाँ पे एडिशनली कैपिटल लेके आएगी। इस तरह से यहाँ पे हमारा हमने इलस्ट्रेशन जो 26 था वो किया कि अगर कोई न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और हम जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम कैपिटल लेके आ रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पे एंट्री करेंगे वो हमने की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।